सो फैमिली गुड इवनिंग, कैसे हो सब लोग। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि मैं जाने वाली हूँ घर पर दौज पर। तो मतलब वैसे मैं सुबह जा रही थी दौज पर, लेकिन अभी मेरा सडनली प्लान बना कि मम्मी को और आदि को मतलब सारी फैमिली को सरप्राइज़ देंगे, तो अभी निकल रहे हैं शाम को। जो कि सब किसी को भी नहीं पता मेरे मायके में कि मैं अभी शाम को निकलने वाली हूँ, जबकि सबको बस यही लग रहा है कि मैं सुबह आऊँगी, मतलब सुबह निकलूँगी और दोपहर तक पहुँचूँगी। बट अभी हमारा सडनली प्लान बना और प्रिंस ने बोला चलो अभी चलते हैं, अभी हम निकलेंगे। और प्रिंस गए हैं रिजर्वेशन कराने के लिए और मैं पैकिंग करती हूँ, तो चलो पैकिंग करते हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वहाँ जाकर सबके रिएक्शन क्या होंगे। सुबह सुबह हम 3-4 बजे पहुँच जाएंगे, तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में और इसकी बिल्कुल भी मत करना, तो देखते हैं क्या होगा। ओके बाय। तो फैमिली मैं करने जा रही हूँ पैकिंग अंदर, और कपड़े मैंने सारे निकाल के रख लिए थे। दीदी लेटी हुई है, दीदी भी जाएगी साथ में, तो सबके कपड़े मतलब मैंने निकाल के रखे हैं। और अभी रूम हो रखा है बहुत ख़तरनाक तरीके से गंदा, और तब तक है ना बीच में मुझे भैया ने ऊपर बुला लिया, पापा ने ऊपर बुला लिया वीडियो बनाने के लिए। गोवर्धन की पूजा हो रही थी, गोवर्धन महाराज की पूजा हो रही थी, तो मैंने सोचा पैकिंग बाद में करूँगी, पहले इनका वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो किस किस के यहाँ पर गोवर्धन पूजा की जाती है बताना। तो चलो पूजा वूजा भी कम्प्लीट हो गई है हमारी, और ये परिक्रमा वगैरह दे रहे हैं पापा जी, ढोक लगा रहे हैं भैया, और ये कंप्लीट हो गई है पूजा, अब जयकारे देंगे। तो ये हो गए हैं हमारे कपड़े की पैकिंग, सब कुछ हो गया है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। एक मिनट में आपको पूरा फुल लुक दिखाती हूँ, उसके बाद बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। फ्रंट कैमरे से करती हूँ एक बार। वैसे तो हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है आप देख सकते हो, तो पहले मैं आपको फुल लुक दिखा देती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये दौज कर रही हैं दीदी, क्योंकि दौज वाले दिन तो हम लोग निकल ही रहे थे, इसीलिए रात को 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग गया था, तो दौज कर रही हैं। सबकी दौज की थी, भैया बड़े भैया हैं, उसके बाद लकी भैया, और इनकी प्रिंस की भी की थी और पापा जी की भी की थी, क्योंकि पापा जी की मतलब कहते हैं बहन नहीं होती तो बेटी भी कर देती है, तो वही हुआ था। पापा बोले पापा इधर आया कर दो, अरे वाह वोट में खड़े हैं तो प्रधानमंत्री जी, अरे बहुत बढ़िया, सब वोट ही नहीं मिले, अरे वाह। ये हमारी बहन कर रही है इनकी दौज, ये देखिए मिठाइयाँ भी रखी हैं। पापा ने कड़क नोट निकाले, बिल्कुल शुद्ध कड़क, क्या बात है। पापा ने बजा भी दिए असली है, अब इनमें लक्ष्मी गणेश जी भी आने वाले हैं, अब पापा चुनेंगे क्या। राजस्थानी बर्फी 80,000 की बर्फी, 80,000 की। पापा मेरे पापा, नन्नी सी कली मेरी लाडली, ये दो दो। अरे वाह। अभी बज रहे हैं 12:04 और मुझे आ रही है बहुत तेज नींद, लेकिन गाड़ी है 2 बजे की, तो वेट करेंगे, 1 बजे जाएंगे हम लोग बस स्टैंड पे। तब तक प्रिंस ने बोला कि चाय बना दे रहे हैं, सबकी नींद उड़ जाएगी, तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो फैमिली मैं हो चुकी हूँ रेडी, मेरे चूड़े कैसे लगते हैं आपको कमेंट करके बताना। और अभी बज रहे हैं 1:00 और हम जा रहे हैं बस स्टैंड, क्योंकि दौज वगैरह कर रही थी दीदी ने, तो अभी हम जा रहे हैं। और देखो कौन कौन जा रहा है, कौन कौन जा रहा है, स्नोवेल भी जा रहा है, लकी भैया भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, मंजू दीदी भी जा रही हैं, ये भी जा रही हैं। हाय कर दो, हेलो। अभी 1:00 बज रहा है और हम लोग बस स्टैंड जा रहे हैं, जंबो खाओ। पीछे भैया भी जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं मतलब, और शिनो भी जा रहा है हमारा, और हमारा शिनो भी जा रहा है। शिनो शिनो कैमरे में आई कर दियो, शिनो आई करो, ऐसे कर दे, सब्सक्राइब करे चैनल को। ले पूरे गया शिनो, बहुत गुस्सा हो गया है क्योंकि ना उनके सबसे बेस्ट फ्रेंड जा रहे हैं। लकी भैया, लकी भैया आप कुछ कहना चाहेंगे, इमोशनल है ये भी। तो चलो बस स्टैंड जाके मिलते हैं, ठीक है। मैं भैया सब लोग जा रहे हैं, जैसे मैं दीदी और प्रिंस जा रहे हैं मेरे घर, और बड़े भैया और छोटे भैया जा रहे हैं उन बड़े भैया के ससुराल, ठीक है। तो चलो चल के मिलते हैं हम लोग बस स्टैंड पे। बेड शीट वगैरह सब ख़राब हो रखी है और अभी टाइम सही करने का टाइम नहीं है, अब वैसे ही छोड़ के जा रहे हैं, तो मिलते हैं चलो बस स्टैंड पर, बाय बाय। तो जाने नहीं दे रहा है लकी भैया को, लकी भैया को लेटा लिया उसने, ऊपर लेटा हुआ, ऊपर लेटा हुआ है, वो कैसे लेटा हुआ है, जो बाप बेटे हैं। शिनो शिनो जाने नहीं दे रहा, शिनो भी जाएगा साथ में, है ना शिनो, इमोशनल है वो, शिनो तू भी जाएगा,
ओ ओ ओ बेटा भाई कूदो एक तो अच्छा तेरे के कूदम। तो ये पापा भैया ये सब लोग हैं और ये मैं हूँ। हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड और ये आगे आगे जा रहे हैं सब लोग, हम पीछे पीछे हैं। दीदी व्लॉग बना रही हैं, ये मैं हूँ, दीदी हैं, पीछे मम्मी आ रही हैं। और फिर हमको बस मिल गई थी, लास्ट बस बची थी ये रोडवेज, क्योंकि जो हमारी रिजर्वेशन वाली बस थी ना वो छूट गई थी, हम लेट आए थे तो वो चली गई थी। तो फिर अब लास्ट बस थी, रिजर्वेशन वाली नहीं थी, रोडवेज थी, तो उसी में हम फिर बैठ गए थे, वही लास्ट बची थी ना। फिर चलो मैं आपको पीछे का व्यू दिखाती हूँ कैसा है पीछे, मतलब कैसी सीट है। वैसे ये भी कंफर्टेबल थी, ठीक थी, मतलब सीट मिल गई थी हमको, सबसे पीछे वाली मिली थी, अगर ये भी नहीं होती तो कोई नहीं मिल पाती, फिर हमको सुबह जाना पड़ता, सारा सरप्राइज़ बिगड़ जाता हमारा। और ये भैया हैं और देख हो सकते हैं आप, सब लोग बैठे हुए हैं, नाइट हो रखी थी, 2 बज रहे थे और हमें सिंधी कैंप से ही मिली थी ये बस, और सिंधी कैंप का ये स्टेशन है, सॉरी बस स्टैंड है। और ये मॉर्निंग के बज रहे थे 7, हमने ना वीडियो ले नहीं पाया था, हम धौलपुर निकल आए थे, आगरा पर भैया और लकी भैया दोनों उतर गए थे, उनको आगरा जाना था और प्रिंस बहुत थक गया था तो वो सो गए थे, उनकी आँख लग गई थी पूरी रात, मतलब मैं तो आराम से उनके कंधे पर सिर रख के सो गई थी, और सुबह होते फिर उनकी पता नहीं अपने आप आँख लग गई तो वो सो गए थे। चलो घर जाते मिलते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ और दीदी बैठी है, दीदी आए कर दो मम्मी 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 को एकदम से शॉक्ड हो गया, रंजनी सब लोग चौंक गए, मैंने ये बोला था कि हम दोपहर में आएंगे और हम आ गए। मम्मी मैक्सी पहनी हुई है, मम्मी कह रही मुझे मत लो और आदित हेलो कर दे, हेलो आदित को भी नहीं पता था कि तुझे पता था मैं आने वाली हूँ, सरप्राइज। रंजनी हेलो, अब बताना चाहेंगी हम आए तो कैसा लगा? हाँ दीदी ने बताया ही नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं, हम लोग तो सोच रहे थे कि ये शाम को आएंगी, बट इन्होंने तो एकदम से हमें शॉक कर दिया, तो हम लोग आ चुके हैं, लेट से आ गए हैं। वो सीन मैंने कैच नहीं कर पाया था क्योंकि हम बहुत थक गए थे और प्रिंस नीचे जाके सो गए हैं, दीदी ये बैठी हुई है सफर में, हम ट्रैवल करते करते हम बहुत परेशान हो गए हैं। मम्मी कह रही है मुझे मत ले, मुझे मत ले। तो चलो अभी दौज है आज, और अभी मैं नहा के एकदम से फ्रेश हो जाती हूँ, फिर हम दौज मतलब पूजा वगैरह करके फिर भाई दूज करेंगे, भाई की आदि की दौज करेंगे, उसके बाद हम आप सबको दिखाते हैं, फिर मैं रेस्ट करूँगी, सोऊंगी, फिर मिलेंगे शाम को, इसलिए बने रहिएगा इस ब्लॉग में, इसकी बिल्कुल मत करना। मम्मी मुझे इस तरीके से देख रही है, क्या बड़बड़ा रही है, मुझे नहीं, मुझे ही बार बार ले लेती है। तो ये हम दौज बना रहे हैं, मतलब मैंने कंप्लीट बना लिया था, मैंने उसका थोड़ा सा वीडियो कैच नहीं कर पाया था क्योंकि हम लेट हो रहे थे, पूजा करनी थी इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत ले लिया था। हमें और नंदनी बना रहे थे, ये गोबर के बनते हैं तो पूजा करने के लिए, आप देख सकते हो किस किस के यहाँ बनते हैं दौज, आप बताना हमको कमेंट करके। हेलो हेलो लग रहे हैं, हेलो। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं बना रहा हूँ अपने चैनल पे, भाई दूज सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, ये मेरा प्यारा भाई है और मैं उसकी प्यारी बहन हूँ, थोड़ी छोटी बीच में से बात करती हूँ। तो गाइस आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ दीदी के चैनल का, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में ही बना रहा ऐसे ही, हेलो बस हो गए। तो गाइस पागल हो चुकी हैं घर आने की खुशी में, डिंग 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 इधर आना, इधर देखो दोनों, ई आदे तू भी खिला, तू भी खिला पत्ते से काली कतली, काली तगली, काली केतली, केतली काजू कंदे होते हैं वो, काजू केतली तू दिखंदे चले जा पहले पर। तो गाइस 150 दिए देगा, नीचे चला ऐसे कर दे, ला ला ऐसे हाथ में फैमिली। हमने दौज मना ली, भाई दौज बहुत फनी थी और ये भी बहुत फनी है, ये हर जगह शुरू हो जाता है, एक हर जगह पापा भाई देख रहे हैं कि ये क्या नाटक चल रहे हैं इनके। तो गाइस चैनल सब्सक्राइब कर, बस बस सब लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना।
डालूंगी लिपस्टिक लगा रही हूँ देखो ब्लॉग में आने के लिए। हेलो, आज मेरा गाना रिलीज हुआ है, सब लोग जरूर देखेंगे। तुम्हारी जगह शुरू हो जाती है। पापा जी पूजा कर रहे हैं मुस्कुराते हुए। पापा जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। जरा देखो पापा जी आए कर दो। तो चलो पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं पूजा करने के बाद। बाय बाय। सो फैमिली, मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक था। आई होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और मैं अब तो डेली कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी ऊपर फ्रेंड्स ऊपर है, अभी आ रहे हैं नीचे। हम बहुत थक गए हैं और कल निकलेंगे हम केला देवी करौली जा रहे हैं दर्शन करने माता रानी के। अब फिर से ये मत बोलना कि मंदिर जाते रहते हो। तो अभी हम जाएंगे, ठीक है, हम निकलेंगे सुबह। और अभी बज रहे हैं 10:30 रात के, तो मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद। और सुबह हम 5 बजे निकलते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, नेक्स्ट नई शुरुआत के साथ मिलती हूँ। सो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।